हेलो जी, ये वल्चर का ग्रुप बैठा हुआ है और जो वल्चर का ग्रुप होता है उसको कहते हैं कमेटी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी है, एक वल्चर की कमेटी बैठी हुई है। तो मैं भी इनको काउंट करूँगा। ये मेरे ख्याल में लगभग कोई 50+ होंगी या 100 के लगभग होंगी। तो सारी शायद काउंट ना हो सकें क्योंकि कुछ बहुत नीचे बैठी हुई हैं। तो इनको काउंट करते हैं और मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली ऐसी बड़ी साइटिंग मेरा नहीं ख्याल किसी जगह पर हुई है। और वल्चर्स की जो तादाद है वो दुनिया में 95% से ज़्यादा कम हो गई है। और ये समझें कि इको डॉक्टर होते हैं, इको सिस्टम के डॉक्टर हैं ये। क्योंकि जहाँ पे भी कोई बीमार चीज़ मरेगी या कोई कारकेस होगा, ये आके उसको खा के साफ करेंगी। और इंसानों के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि इनकी पॉपुलेशन हेल्दी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ताकि ये जो गंदबला होता है और लाइफ स्टॉक मरता है, ये उनको खाते रहे। जंगली जानवर जो मरे होते हैं, उनका कारकेस होता है, उनको खाते रहे। और भी जो गंद बला होता है ना, ये उसको खा के माहौल को साफ़ करते हैं। तो इनका इकोसिस्टम में पॉजिटिव रोल है। लोग इसको बुरा समझते हैं, गिद्धे कहते हैं। गिद्धे तो हैं ये, लोग कहते हैं ये मुर्दार खाती हैं। तो भाई, ये वो मुर्दार खाती हैं तो आपका माहौल ही साफ़ करती हैं ना। शुक्र अदा करें आप इनका कि आपका माहौल साफ़ करती हैं गंद बला खा के, वरना वही बीमारियाँ फूटेंगी, इंसानों को भी लगेंगी, जानवरों को भी लगेंगी और नुकसान होगा। तो भी इसको काउंट करते हैं जी। बात कहीं और निकलती जा रही है, तो जहाँ पे मैं बोलूँ तो आप मुझे भी जो है ना करेक्ट कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कवा नहीं काउंट कर रहे हम। 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 तक, यहाँ तक हो गया जी। 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 9 59 60 60। उसके अलावा भी मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन वो दूसरी साइड पे हैं। 60 ये और 20 वो भी होंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये वल्चर का ग्रुप था जी, बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये देखें आप, टोटल देखें इसको ना। यहाँ पे कोई कारकस भी पड़ा होगा जिस पे यहीं होंगी ना, उसको भी मैं देखता हूँ। और ये जो ग्रिफन है, ये हिमालयन ग्रिफन वल्चर है। और इनका जो विंग स्पैन है वो 3 मीटर तक जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा चीज़ है ये।
सलाम वालेकुम जी, ये कारकेस था गाय के बछड़े का जिसपे आके वल्चर्स ने फीड किया है। तो अभी तो वल्चर उड़ के चली गई है। मैं कैमरा ट्रैप ले आया हूँ, तो इसको इधर लगाऊंगा और देखते हैं कि फिर वल्चर्स आती हैं या दूसरे जानवर कौन कौन से आते हैं। तो अभी इसको अगर देखें तो ये बड़ा नीट एंड क्लीन इसको खा के जो वल्चर्स है ना वो यहाँ से चली गई हैं। तो अगर वल्चर्स ना होती ये इधर ही गलता सड़ता रहता, जैकैल वगैरह ने आके कुछ ना कुछ तो खा लेना था जो दूसरे कार्निवोर्स हैं उन्होंने भी, लेकिन ज़्यादा जो है उसने इसने इधर स्मेल करनी थी तो इंसानों के लिए भी मुश्किल होनी थी, तो वल्चर्स ने इसको बड़ा बेहतरीन खा पी लिया है। तो ये वल्चर का जो है पॉजिटिव रोल है इकोसिस्टम में कि जो मुर्दार होंगे, जो जानवर इस तरह के मरे पड़े होंगे उनको वल्चर खा के इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन, नीट एंड क्लीन कर देंगे।